हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रॉम क्लास टेंथ इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द वोबलरी इज़ ऑल्सो सम वट डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर बट आई विल नॉट से डिफिकल्ट क्योंकि जब हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाती है तो ये सिक्स चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट टेंथ क्लास की सप्लीमेंट्री बुक फुट प्रिंट्स विदाउट फीट लेकिन ये चैप्टर है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं इसकी टू वीडियोस बनाऊंगी स्टूडेंट्स सो फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर आपको मेरी दोनों ही वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाकर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा सो द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट साइंटिस्ट क्या होता है आपको पता है लेकिन एक साइंटिस्ट कैसे बनता है वो हम दिखाएंगे मीन्स साइंटिस्ट बनता है इट मीन्स कोई ऐसा स्पेशल कोई प्रोसीजर नहीं है मीन्स हाउ हाउ कैन यू बिकम अ साइंटिस्ट क्या चीज़ें चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए ना सी रिच डिब्राइट हैज़ रिसीव्ड अ सेरल स्कॉलर अवार्ड एंड अ स्टैरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिच डिब्राइट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उन्हें ये अवार्ड्स मिले हैं It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Yes. Butterflies' ko ek fascination Just Vigyan Now let us see. Kaise? Some questions are given. How did a book become a turning point in Richard a. Bright's life? And how did his mother help him? Ye jab text ko padhenge, you will come to know. See. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science. Yes, students see at the age of just 22, a former Scout of the Year gave the Scientific World a New Theory on how cells work. Cell what is सेल हमारी लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया किस में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एक पेपर निकलता था उसमें उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया और 22 साल की उम्र में इतनी अच्छी रिसर्च करके पूरी साइंस की दुनिया को हिला दिया था उन्होंने इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जर्नल होता है पेपर

जो बेस बॉल होता है उसमें होम रन बनाया जाता है पंद्रह साल की उम्र में अगर कोई होम रन की फिफ्टीन हीटिंग अ होम रन पहली बार अपने बैट से जब आप बनाते हैं ऐसी फीलिंग आती है फॉर रिचड डिब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस इन अदर फील्ड्स रिचड डिब्राइट की भी ये पहली उपलब्धि थी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इट एट ऑल स्टार्ट विद बटरफ्लाईज सी स्टार्ट किससे हुआ उनका ये प्रोसेस विद बटरफ्लाइज An only child means a bride was a single child of his parents. A bride grew up north of Reading, Pennsylvania. The, this reading is the name of the place. Pennsylvania. There, is, uh, there wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. football baseball. But there was one thing I could do.

He became an eager astronomer too. Sometimes star gazing all night, pura puri raat stars ko dekhte rehte Here is the definition of home run also given. A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. So getting a paper published at the age of fifteen in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. वेरी इजी स्टूडेंट्स इस तरह से उनको ऐसी फीलिंग आई उस समय सी फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद्राइट माइंड एक ब्राइट माइंड तो उनके पास था ही एक चीज थी डेट इज ड्राइविंग क्यूरसिटी क्यूरसिटी होती है जिज्ञासा और ड्राइविंग मीन्स जो किसी चीज के लिए आपको पुश करे ड्राइव करना आगे बढ़ना

आई वॉज हिज ओनली कम्पैनियन आंटिल स्टार्ट स्कूल नाउ दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिज मदर कह रहे हैं मैं जब तक उनका स्कूल स्टार्ट हुआ मैं ही उनकी एक अकेली कम्पैनियन थी हिज मदर सेट आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंक होम फ्रेंड्स फॉर हिम कहते मैं उनके लिए उसके लिए घर पर दोस्तों को भी लाती छोटे छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करते थे तो उनको भी लाती थी बट एट नाइट विच जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर लेकिन रात को तो हम ही अकेले होते थे रिचि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिचि वॉज इन थर्ड ग्रेड कहते रिची, रिची किसको कह रही है ये रिचर्ड को रिचर्ड के फादर के मरने के बाद यानी वो बहुत कम उम्र के थे रिचर्ड जब उनके फादर एक्सपायर कर गए कह रहे आई वॉज मेरे लिए रिची ही मेरी पूरी लाइफ थी शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल इफ यू डिड नॉट है फॉर हिम कहते अगर उसको कुछ काम नहीं होता तो मैं उसको काम देती थी कैसा काम नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स

तो इस बॉक्स में ट्वेंटी फाइव स्पीश ऑफ देखिए उसने बटरफ्लाइज की कलेक्ट की थी इन सिक्स वीक्स इन रीडिंग रीडिंग पेन में उन्होंने सिक्स वीक्स में ये वाली और उनके ऊपर नाम भी लिखे हैं उनके नाम भी फाइंड आउट किए वो गजामर विंग मोनाक्स वाइट एंड सर्फर ब्रश फ्रूटेड बटरफ्लाई सी कितनी सारी उसने रिसर्च की थी दैट प्रोबेबली वुड हैव इन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड कह रही कि उसके बाद मैंने शायद बटरफ्लाई कलेक्टिंग छोड़ दी होती बट देन माई मदर गॉड मी अ चिल्ड्रेंस बुक कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मुनाक कहते फिर वो एक बच्चों की किताब लेकर आई और इस किताब का जो टाइटल था वो था द ट्रेवल्स ऑफ मुनाक एक्स यानि कि मुनाक जो है वो एक बटरफ्लाई की स्पीशी है उसका ट्रेवल्स यानी उसकी माइग्रेशन दैट बुक विच टोल्ड हाउ मुनाक बटरफ्लाई इज़ माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका कि किस तरह से जो मनाक बटरफ्लाईज है वो सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट करती हैं माइग्रेशन होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू यंग कलेक्टर अब इस यंग कलेक्टर के लिए ये पूरा वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन कर दिया इस बुक ने ये देखो ऊपर कौन सी बुक से उसको देखिए हाउ डिड द बुक कौन सी बुक क्यों बनी किस तरह से आगे भी आएगा और उसकी मदर ने उसको किस तरह से हेल्प किया यहां आपको इसका आंसर्स मिलते जाएंगे सी यस एट द कि वो इस राइटर uh, के हेल्प करें टू स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन टैग बटरफ्लाई उनको कहा गया था कि अगर आपको मनाक बटरफ्लाई मिलती है उसको टैग कर दी मतलब हल्का सा छोटा सा टैग लगा दीजिए बाई डॉक्टर फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यू हार्ट तो डॉक्टर फ्रेडरिकर्क्यू हार्ट जो थे उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा के थे तो ये उन्होंने अपील की थी इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर आर क्यू हार्ट एंड सोन वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स एडहेसिव होता है आपका गम तो so, उसने छोटी छोटी चिपकने वाले टैग्स उसको डॉक्टर आर क्यू हार्ट को लिखा और फिर उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट किया एंड इब्राइट वॉज नाउ अटैचिंग द दिस टैग एंडस टू मोनाक एनी वन फाउंड बटरफ्लाई सेंड दू डॉक्टर जो भी टैग बटरफ्लाई को मिले किसी को तो उसका टैग निकाल के डॉक्टर आरक्यू आर को भेजना है यानी कि आपने कहाँ बटरफ्लाई टैग की ठीक है ब्राइट अपनी जगह से उनको टैग करता था छोड़ देता था फिर वो बटरफ्लाई कहाँ तक जाती थी जहाँ भी कई बार तो हो सकता है थोड़ी दूर गई हो किसी को मिल गई हो उसने टैग उठा के भेज दिया हो लेकिन फिर टैग भेजने वाला अपना पता बताएगा कि यहाँ तक ये बटरफ्लाई उड़ कर आई है देन दे विल बी इजी फॉर देम इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि कितना उसने ट्रैवल किया नाउ द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन द लेट समर ओके सिक्स वीक्स होते थे लेट समर के इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच मैनी अगर आप उनका पीछा करोगे तो आपको ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं मिलेंगी सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लॉक होता है उनका झुंड कहते क्यों नहीं मैं बटरफ्लाइज को अपने आप ही तैयार करूँ पैदा मतलब अपने आप ही उनको रेज करूँ पालूँ ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क फिर उसने क्या किया एक फीमेल मोनार्क को लिया टेक हर एग्स उनके एग्स लिए और उनको खुद उसको बेसमेंट में अपने लाइफ साइकिल के थ्रू उस एग को फर्टिलाइज किया सी पहले कैटरपिलर होता है फिर प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई देन ही वो टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो यानी उन्होंने खुद उसको पालना शुरू किया वहाँ पे और बटरफ्लाईज फिर आगे से आगे पैदा होती गई और फिर वो उनको टैग करके छोड़ता था देन ही वो टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो फॉर सेवरल ईयर्स इज बेसमेंट वॉज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सो मैनी ईयरस काफी दिनों तक तो काफ़ी सालों तक ये देखिए ये उसने ग्राफ बनाया है और गोजामर विंग उसने कितनी कलेक्ट ये तो कलेक्शन की जितनी उसने कलेक्शन की थी लास्ट सिक्स वीक्स की कि गोजामर विंग कितनी कलेक्ट की एट देन वुड नेम्स आई थिंक टू ब्रश फूटेड सबसे ज्यादा थी टेन वाइट्स एंड सल्फर्स थ्री मोनाक एंड स्नाउट वन सो दीज द स्पीशीज कलेक्टेड इन सिक्स वीक्स इवेंचुअली आई बिकेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज आप रिचर्ड एब्राइट कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझे ना इस काम में बोरियत होने लगी इट इज़ टीडियस टीडियस मतलब थकाने वाला है देर इज़ नॉट मच फीडबैक और कह रहे फीडबैक भी नहीं आ रहा था इतने ब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डेडेड ही लव ओनली टू बटरफ्लाइज आई टैग डू वर रिकैप्चर्ड कह रहे सिर्फ दो बटरफ्लाइज किसी ने पकड़ी और उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवेंटी फाइव माइल्स ही कवर किया था और वही हमारे पास वापस आया सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर टू कैरी ऑन दिस स्टडी कि मैं कैसे इसको आगे करूँ ओके नाउ अगेन सम क्वेश्चन आर येयर अब यहाँ तक आपको वो पहले वाले क्वेश्चन के जवाब तो मिल ही गए हैं ठीक है वो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्कस वो बुक थी और उसकी मदर ने किस तरह से उसकी हेल्प की

जब उसने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया एंड लॉस्ट लॉस्ट मीन्स ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज देयर इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सेट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी वन समथिंग जबकि वहाँ जितने भी लोग आए थे कुछ ना कुछ जीत कर गई थी इब्राइट सेड हिज एंट्री स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप वो क्या लेकर आया था फ्रॉग के टिश्यूज़ जिनको वो लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखा रहा था ही रियलाइज द विनर्स आई ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले नाउ एब्राइट ने यहाँ पे क्या किया था एब्राइट ने ओनली ऑलरेडी टिश्यूज फ्रॉग के सब स्टडी कर पहले भी उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी फ्रॉग टिश्यूज निकाले गए वो सिर्फ उनने लोगों को दिखाए ही डिड नाट मेड एनी रिसर्च बल्कि जो विनर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ वो रिसर्च अपनी लेकर आए थे वहाँ पर तो इस बात का एहसास एब्राइट को हो गया कि आई हैव टू डू रिसर्च ऑन माई ओन मुझे भी कोई रिसर्च करनी पड़ेगी तभी मैं इसमें कोई प्राइज ले सकता हूँ सो ऑलरेडी द कम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ए ब्राइट वॉज अब उसके अंदर वो एक कम्पिटेटिव स्पिरिट आ रही थी आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट लेकर आना होता है ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट और कह रहे हो इंसेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहा था बटरफ्लाई के ऊपर आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स कहते कि मैं इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहा हूँ इतने सालों से तो क्यों नहीं इसी को मैं अपनी रिसर्च का भी टॉपिक बनाऊँ सो ही रोड टू डॉक्टर आरक्यू हार्ट फॉर आइडिया उसने डॉक्टर आरक्यू हार्ट के लिए बुलाया एंड बैक केम्स टैक ऑफ सजेशन बहुत सारे सजेशन उसको डॉक्टर फेडरिक ने दिए ये डॉक्टर आरक्यू हार्ट दो स्कैप्ट ब्राइड बिजी ऑल थ्रू इज हाई स्कूल और इन्हीं uh, में वो बिजी रहा अपने पूरे हाई स्कूल में लेट टू द प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स उसके बाद उसने काउंटी फेयर में एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में प्राइज भी जीते ना उसी कौन कौन से उसके ये थे एक्सपेरिमेंट्स थे फॉर हज एट्थ ग्रेट प्रोजेक्ट इट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनाक कैटर पिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स एक वायरल डिजीज होता था जो मोनाक के कैटल पिलर्स को लग जाता था इससे बहुत सारे कैटल पिलर्स बटरफ्लाई नहीं बनते थे मर जाते थे ए thought that दैट disease डिजीज be carried कैरीड a beetle. बीटल आपको पता है कि डिजीज़ के कैरियर्स होते हैं जैसे मस्कीटो मलेरिया का कैरियर है डेंगू का कैरियर है इस तरह से उसको लगता था कि एक स्पेशल टाइप का बीटल है बीटल होता है वो भी इंसेक्ट होता है वो इस डिजीज को फैलाता है सो ही ट्राइड रेजिंग कैटर पिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स फिर उसने वहीं पे बीटल्स को भी रेस करना शुरू किया उनकी प्रेजेंस में कैटर पिलर्स को देखा आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट कहते इसका मुझे कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला बट आई वेंट अहेड लेकिन मैंने ये शो किया दैट आई ट्राईड द एक्सपेरिमेंट एन दिस टाइम आई वन लेकिन मैंने उनको जो मुझे जो भी फाइंडिंग्स मेरी आई वो मैंने दिखाई कि मैंने इतने टाइम तक इसको एक रिसर्च की है

अब वो क्यों कॉपी कर रही हैं द थ्योरी वॉज दैट वाइस रॉयज लुक लाइक मोनाक्स बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स बर्ड्स को मुनाक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो उसको ज़्यादा नहीं खाते वाइस रॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू द बर्ड्स उसको उसका टेस्ट अच्छा लगता है सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर यानी अगर वो ज़्यादा उसको कॉपी करेंगी मुनाक को तो वो बर्ड्स का डिनर नहीं बनेंगी Now, Ibray's project was to see whether or, in fact, birds would eat monarch. कितने अब ये देखना था कि क्या birds monarch को खाते हैं? He found that a starling, starling एक पक्षी होता है बेटा. ठीक है एक एक पक्षी होता है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड कहते हैं वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता जो ज़्यादा बर्ड्स खाते हैं इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट जबकि वो ही है सिर्फ मुनाक्स को पसंद करता है सो ए ब्राइट एड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शो दैट वाइस रॉयस प्रोबेबली डू कॉपी मोनाक लेकिन ये तो रिसर्च में इसने फाइंड आउट किया कि स्टार्लिंग ओली मोनाक्स को खाते हैं लेकिन ये भी आउट किया है कि वाइस फिर भी को करते हैं। होता अब उसने जब experiment किया research किया तो उसको इसमें प्राइज भी मिला नाउ स्टूडेंट सी यहां तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इसका नेक्स्ट पार्ट में अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट प्लीज वॉच माई बोथ द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू रियली फाइंड हेल्पफुल दैट माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ यू कैन सेंड यूर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल आई विल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स थैंक यू स्टूडेंट्स